स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे जो है गोली दर्पण एवं जो इससे प्रकार होते हैं, जैसे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम लोग इस पर बात करेंगे आज। तो बिना देर के हुए आप चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम पर आपको ऐसे ही अपडेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गोली दर्पण जो होता है वो क्या होता है। तो इसमें लिखा हुआ देखिए, खोखले गोली के पृष्ठ का एक भाग गोली दर्पण कहलाता है। मान लीजिए ये कोई खोखला गोला लिया आपने और इसका एक पृष्ठ आपने ऐसे काट लिया इतना, तो ये जो कटा हुआ इस तरफ का भाग होगा यही कहलाएगा गोली दर्पण। और भैया ये दो प्रकार के होते हैं, पहला तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, इनके बारे में हम लोग बहुत ही विधिवत डीप से पढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे अवतल दर्पण क्या होता है। तो इस दर्पण में प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दर्पण के भीतरी भाग से होता है, यानी कि अवतल, अव मतलब दबा हुआ, तल मतलब तल, यानी कि ऐसे होगा। और इसके पीछे के भाग पर यूं करके कलाई की गई होगी और इसके अंदर की तरफ जो है बेटा परावर्तन होगा, यानी यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएंगी और उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? इस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इस दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, क्या कारण होता है? क्योंकि इसमें प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो इस तरफ से डाली जाती हैं, ठीक है, और इस तरफ जो होता है फोकस भी इसका स्थित होता है, तो जिस कारण ये जो मुख्य अक्ष होता है मुख्य अक्ष के विपरीत दिशा में होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? तो इस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के ऊपरी भाग से होता है। किससे होता है? ऊपरी भाग से, मतलब सामने की ओर भाग इसका उभरा हुआ होता है, अंदर की ओर इसमें कलाई की गई होती है ऐसे करके कुछ। मसनारी कलाई सही से करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा के, है ना। चलिए ध्यान से देखिए, इस तरफ जो है कलाई की जाती है ऐसे ऐसे ऐसे, और सामने की तरफ जो है प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो टकराती हैं, टकराने के बाद वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए देखिए, और लिखा है इस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी इस दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? धनात्मक, क्योंकि जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और ये दूरी जो है किरण के विपरीत, किरण के दिशा में होती है, इसलिए धनात्मक होती है। तो आई होप कि आपकी इस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप ऐसे ही डेली कॉन्सेप्ट रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।